अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सांगड़ न्यूज़ के सिलसिले किस्से कहानियां नसीहतें सबक आमोज वाकयात में हम एक और वीडियो शामिल करने जा रहे हैं जिसका अनवान है अपनी किस्मत पे राजी रहना। आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। एक कौवा जंगल में रहता था और अपनी जिंदगी से मुतमइन था, लेकिन एक दिन उसने हंस को देख लिया और सोचा, हंस इतना सफेद है और मैं इतना काला, ये हंस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने कहा, असल में मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ जब तक मैंने तोता नहीं देखा था। तोतों के पास दो मुख्तलिफ रंग हैं, अब मैं सोचता हूँ तोता सबसे ज्यादा खुश होगा। कौवा तोते के पास पहुँचा। तोते ने कौवे को बताया, मैं बहुत खुश जिंदगी गुजार रहा था, फिर मैंने मोर देखा, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग हैं जबकि मोर के पास कई रंग हैं। कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर जा पहुँचा। वहाँ कौवे ने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए हैं। लोगों के रवाना होने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखने रोजाना हजारों अफराद आते हैं, मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुश रहने वाले परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुश परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से चिड़ियाघर में कैद हूँ। मैंने चिड़ियाघर पर काफी गौर किया और मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है अगर मैं कौवा होता तो आजाद होता। दोस्तों, हम इंसानों का भी यही मसला है, हम दूसरों से मुआवजना कर करके अपनी खुशियां बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास जो है हम इसकी कदर नहीं करते और ये सोच हमें अफसरदगी के चक्कर में फंसा देती है। जो आपके पास है इसकी कदर करें, मुआवजने को खैरबाद कहें, ये मायूसी की जड़ है। खुद भी खामोश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।